गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम है वैभव गुप्ता और मैं यहाँ पे इस लेक्चर में क्लास टेंथ को साइंस पढ़ाऊंगा। क्लास टेंथ के साइंस के सारे लेक्चर्स होंगे, सारे क्लासेस होंगे। तो पहले देखिए, क्लास टेंथ में साइंस क्या है ना, तीन पार्टों में बट गया। तीन क्या मतलब, बहुत पहले ही बट गया था, लेकिन अब देखिए तीन पार्टों में साइंस को बांट दिया था। साइंस के तीन पार्ट क्या है पता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में हम डील करते हैं किसके साथ? फिजिकल थिंग्स जैसे स्पीड, डिस्टेंस, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, डील्स विथ स्पीड, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी और क्या, लाइट, वेव्स, ठीक है, एक्सेट्रा। केमिस्ट्री में किससे डील करते हैं? डील्स विथ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड, कंपाउंड्स, एक्सेट्रा। अब क्या है, हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, हर एक चीज कैसे होता है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, बॉन्ड क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है? डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Their habitat, habitat, किस एनवायरनमेंट में ढल रहे हैं, कैसे क्या है, क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सब क्या डील करता है, बायोलॉजी डील करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे, जितना भी जिंदा चीजें हैं सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब हम क्लास टेंथ में ना क्या क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में वो देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग देख लेते हैं आज। हम लोग उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक। एक चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर बायोलॉजी का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। अब देखिए जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, ये देख रही है एनसीईआरटी बुक, ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये किसका पास्ट है? केमिस्ट्री का। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस, हाँ बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए भैया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगला क्या है भैया? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है भैया? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका लास्ट चैप्टर क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी एनसीईआरटी का पहला पांच चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री है। उसके बाद क्या है? सिक्स चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। ये क्या है लाइफ प्रोसेस? क्या है? बायोलॉजी है। कंट्रोल
एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, ये भी बायोलॉजी है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये भी क्या है, बायोलॉजी का चैप्टर है। और आखिरी चैप्टर क्या है बायोलॉजी का, हेरिडिटी, एंड इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए भैया देखिए फिजिक्स में क्या आता है, लाइट पहला चैप्टर, ह्यूमन आई, अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगला क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट्स एंड इफेक्ट, क्या मैग्नेटिक है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद आवर एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स, ये भी क्या आता है बायोलॉजी में ही आता है, लेकिन क्या करता है ये मिक्स होता है, थोड़ा बायोलॉजी थोड़ा केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ा बायोलॉजी मतलब ज्यादा बायोलॉजी, आवर एनवायरमेंट्स, उसके बाद क्या है मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। चलिए भैया अब जरा देखिए हमें क्या डील करना है, हमें डील करना है, सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है भैया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट करिए। चलिए भैया हम आगे नोट करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा असली चीज शुरू होने जा रहा है आज से, ठीक है, आज से असली चीज हम लोग का शुरू होगा। चलिए भैया देखिए ये केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी ये सबको पता होना चाहिए क्या क्या डील करता है, ठीक है। क्लास 11 12 में जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अब हम सबसे पहला क्या शुरू करेंगे, पहला चैप्टर जो है क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर क्या है केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इक्वेशंस क्या है, सबसे पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्या है, रिएक्शन लिखे हैं, रिएक्शन किस पहले हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार रिएक्शन लिखना नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे भैया देखिए, अब सबसे पहले बात ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो चीजों को मिला के कोई नया चीज बनाया जाए, ठीक, उसमें हीट देना पड़े, हीट निकले, मतलब समझिए कि एनर्जी देनी पड़े या एनर्जी उसमें से मिले, उसी को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सपोज करिए हमने ए प्लस बी किया, ठीक है, हीट भी दिया, क्या मिला, ए भी मिला, इसी को क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे डे टू डे लाइफ में देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, ठीक है, और दूध को बाहर छोड़ दीजिए, मतलब खुला छोड़ दीजिए, गर्मी में छोड़ दीजिए, तो फिर क्या होगा, दूध क्या होगा, फट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिए और कैसे रिएक्शन आ जाएंगे डेली लाइफ के बारे में, सब्जियां क्या है गर्मी से खराब हो जाती है ना, वैसे ही डेली लाइफ में कई रिएक्शन है, ठीक है। अब चलिए एक एक्टिविटी देखिए जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, बोल रहा है केमिस्ट्री के बुक में, एनसीईआरटी में,
क्लीनम मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर. मैग्नीशियम रिबन आता है क्या? मैग्नीशियम रिबन आएगा. ठीक, बोल रहा है कि भैया मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करिए, थोड़ा साफ कर लीजिए. किससे? सैंड पेपर से, रेगमाल से, रेगमाल से रगड़ के साफ कर दीजिए. ठीक, तो एकदम साफ हो जाएगा, उसके ऊपर की जो गंदगी होगी वो हट जाएगी. ठीक, अब उसको एक चिमटी से एक साइड से पकड़ के जलाइए, उसको एक साइड से पकड़ के जलाइए. जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, एक ऊपर पड़ा तो नीचे जलाते हैं, वैसे ही इसको जलाइए. तो अभी क्या होगा, जब ये बर्न होगा तो क्या होगा, व्हाइट फ्लेम देगा. जब ये बर्न होगा तो क्या देगा, व्हाइट फ्लेम देगा. ठीक है, क्या देगा, मैग्नीशियम रिमन. मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म होता है Mg. ठीक है, अभी क्या देगा, व्हाइट फ्लेम देगा. क्या देगा, व्हाइट फ्लेम देगा, यानी जब जलेगा तो व्हाइट तरह जलेगा. कभी कभी ऑरेंज जलता है, कभी कभी ब्लू जलता है, लेकिन ये क्या हमेशा क्या जलता है, व्हाइट जलता है. ठीक है, अब ये जब पूरा जल जाएगा ना, जब ये पूरा जल जाएगा तो इसका जो राख होगा उसको एक ट्रे पे लीजिए, एक आइस ट्रे पे लीजिए, मतलब ठीक है, लीजिए उसको बाउल में. अब ये क्या होगा, ये जो जला हुआ राख होगा ना, ऐश होगा. ये क्या ऐश, क्या होगा ऐश यानी राख. अब ये क्या होगा ना, व्हाइट होगा. व्हाइट क्यों होगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. ये मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, MgO बोलते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होगा, व्हाइट कलर होगा. ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ये मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो वो राख बना व्हाइट कलर का, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए. अगला क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 1.2 दिया हुआ है भैया. एक्टिविटी नंबर 1.2 में बोल रहा है, नाइट्रेट सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब. अब क्या बोल रहा भैया, बोल रहा है एक टेस्ट ट्यूब लीजिए. सॉरी, टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह का होगा. टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसा होता है. बोल रहा है इसमें सिल्वर लेड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लीजिए. ठीक है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेने के बाद क्या करिए, इसमें पोटेशियम डालिए. इसमें क्या करिए, पोटेशियम डालिए. पोटेशियम भी पड़ गया भैया, पोटेशियम भी पड़ गया. ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम है, और ये सोल्यूशन क्या है, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है भैया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉक लगा दीजिए. जैसे ही ये पोटेशियम डालेंगे लेड नाइट्रेट में, यहाँ पे एक कॉक लगा के यहाँ पे एक वो लगा दीजिए. ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, गैस उड़ेगा. अब ये जब गैस उड़ेगा तो ये पता क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन होता है. ठीक है, हाइड्रोजन होता है. ये पाइप, छोटी सी पाइप से निकलेगा, एक छोटी सी पाइप से निकलेगा, वो क्या होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन होता है. अगला एक्टिविटी देखिए भैया क्या है, जिंक ग्रेन्यूल इन द क्लोनिकल फ्लास्क. ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक एसिड. अब क्या बोल रहा भैया, एक क्लोनिकल फ्लास्क और लीजिए, कोनिकल फ्लक्स लीजिए. कोनिकल फ्लक्स कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना. चलिए भैया, कुछ ऐसा हो गया, कोनिकल फ्लक्स हो गया हमारा. ठीक है, अब भैया जरा देखिए, अगर हम इसमें जिंक डाल दें, जिंक के ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल क्या होता है, टुकड़े होते हैं जिंक के, डाल दिया हमने. ठीक, फिर इसमें क्या किया, थोड़ा सा हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया. अब जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा ना, तो इसमें से भी गैस इवॉल्व होगी. कौन सी गैस इवॉल्व होगी, देखिए भैया, सॉरी, गैस नहीं इवॉल्व होगी, गैस नहीं इवॉल्व होगी. देखिए क्या होगा, जब इसमें जिंक के टुकड़े पड़े हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे. ठीक है, इसको कॉक से बंद कर दीजिए, इसको कॉक से लगा के बंद कर दीजिए. जब ये बंद होगा ना, तो जब ये रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो इसको जरा टच करके देखिएगा, जो टेस्ट ट्यूब होगा, जो कोनिकल फ्लास्क होगा, उसको टच करिएगा,
तो पता क्या होगा, वो हल्का सा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, यानी वो क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा, हीट निकालेगा, एनर्जी को निकालेगा। ठीक है, अब चलिए भैया हमको ये पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब जरा देखिए भैया केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से देखिए क्या होता है। अब क्या है ना कि उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में चार पॉइंट, वही चार पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखिए चेंज इन स्टेट, अब जैसे आप देखिए अगर आइस ले लीजिए, आइस है ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर रख दीजिए, एनवायरमेंट में रख दीजिए, एनवायरमेंट में रखेंगे तो क्या होगा, लिक्विड में हो जाएगा ना, लिक्विड वाटर हो जाएगा ना। ये क्या है, आइस है, यानी क्या है, सॉलिड है। अब क्या किया, ये थोड़ा सा एनवायरमेंट में रखा, क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। यही क्या है, इसी को रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसी को क्या, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। अब ये क्या है, देखिए स्टेट चेंज हो रहा है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड में, सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड में। ठीक है, और अगर और थोड़ा देर पानी को गर्म कर दीजिए क्या होता है, लिक्विड से वेपर में बन जाता है, गैस में चल जाता है, है ना। तो चलिए भैया अगला क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। भैया देखिए हमने बताया ना मैग्नीशियम को बर्न करिए क्या होता है, मैग्नीशियम को बर्न करिए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, मैग्नीशियम को बर्न करिए ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, व्हाइट एश बनाता है ना, व्हाइट एश बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या हो गया, देखिए मैग्नीशियम का कलर चेंज हो गया ना, व्हाइट कलर में हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, कलर में चेंज हो जाना, क्या बोलते हैं, कलर में चेंज हो जाना। ठीक है, अब देखिए भैया तीसरा रिएक्शन क्या दिया था, तीसरा चीज क्या दिया था, बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखिए हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट में थोड़ा सा पोटेशियम डाला था, तो क्या कर रहा था, लेड नाइट्रेट में थोड़ा सा पोटेशियम डाला तो उसमें क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, हुआ ना, हाइड्रोजन जब गैस रिलीज हुआ वो क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें तो थोड़ा सा जिंक डाल दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, टुकड़े डाल दिए, अब वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है, तो चार पॉइंट हमें मिला, चार पॉइंट हमें मिला। ठीक है, देखिए वो चार पॉइंट क्या है, वो चार पॉइंट क्या है, पहला तो क्या चेंज करेगा, चेंज इन स्टेट, क्या करेगा, चेंज इन स्टेट, क्या करेगा भैया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हो गया। अब फिर क्या करेगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अब क्या करेगा भैया, चेंज, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्या करेगा, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी, क्या करेगा भैया, एनर्जी भी रिलीज करेगा। देखिए जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, चार तरीके रिएक्शन को पहचानने में, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और रिलीज एनर्जी। अब अगला पॉइंट क्या भैया, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, हमें तो पता चल गया भैया केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे उसको। ठीक है, लेकिन अब हमें पता लगाना है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, उसी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को लिखने को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए भैया अब देखिए क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखाएगा भैया, देखिए जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखने को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे अब हमारे पास है, सोचिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं हीट के प्रेजेंस में, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं और हीट को क्या कर रहा है, देना पड़ रहा है हीट को, क्या करता है, डेल्टा लिखते हैं हम लोग,
क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। ठीक है भैया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमने हीट थोड़ा सा दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब भैया जब ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो अब पता इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को रिएक्टेंट्स बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोल दिए। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यानी अगर ए प्लस बी आ रहा है ठीक, और वो क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। इसको क्या बोलेंगे भैया, प्रोडक्ट्स। अब क्या बोल रहा है भैया, रिएक्टेंट क्या होता है, दो या दो से अधिक, रिएक्टेंट हमेशा क्या होंगे, दो या दो से अधिक, हमेशा किसी भी फेज में ले लो भैया, कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो रिएक्टेंट्स क्या रहेंगे, हमेशा दो या दो से अधिक, हमेशा अकेला नहीं होगा, अकेला कुछ कर पाएगा क्या कोई, हमको बताओ। कोई भी रिएक्शन है उसमें लिख दिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अरे भैया कहां कुछ हो रहा है, मैग्नीशियम लिखा है, लिखा है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या किए, रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसी को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट के बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं, प्लस का साइन क्यों लगाते हैं पता है भैया, प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये यहाँ पे क्या हो, प्लस सी भी हो सकता है, प्लस सी भी हो सकता है, प्लस डी भी हो, प्लस ई भी हो। ठीक है, तो ज्यादातर हमेशा क्या होता है, दो या दो से अधिक होंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स देखिए भैया, रिएक्टेंट्स के बीच में क्या लगाए, हमेशा प्लस लगाएंगे क्योंकि कर रहे हैं, दोनों जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा एक या एक से अधिक होगा। ठीक है, नॉर्मली एक बनता है लेकिन कभी कभी क्या बनता है, दो बनता है, तीन बनता है, चार बनता है। ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि चार प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट कब बनेगा, फिलहाल आप क्या करेंगे, दो चीज जानेंगे कि दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नॉर्मली एक बनेगा और कभी कभी दो बन जाएगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट बने तो उसके बीच में प्लस लगा देंगे, उसके बीच में प्लस लगाएंगे मतलब भैया दोनों चीज बन रहा है, ये भी बन रहा है थोड़ा थोड़ा, ये भी बन रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब एरो पे अगर हम सिंबल लगा दें, मान लीजिए ये वाला, तो इसका क्या मतलब है, कंडीशन है ये, एरो पे कुछ लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या होगा भैया, अगर ये कंडीशन दोगे तभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन है, शर्त है, शर्त है। मम्मी पापा शर्त रखते हैं ना कि भैया तुमको साइकिल हम तभी देंगे जब तुम क्लास में फर्स्ट होगे, और तुम क्या करते हो, टाटा फिर फर्स्ट आ जाते हो ना। चलो भैया देखो, अब क्या यहाँ पे कंडीशन शर्त रख दी गई कि भैया यहाँ पे हीट होगा तभी ये रिएक्टन क्या होगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलिए भैया देखिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट हो गया। अब आगे देखिए भैया क्या है, अब आगे बोल रहा है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को तो हमने लिख दिया, अब इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें, किस फॉर्म में लिख दे, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में लिख दे। जैसे Mg का क्या, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन क्या होता है, O2। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, एरो बनाया, ये एरो क्या दिखाता है भैया, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, अब क्या बनेगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भैया, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया भैया, प्रोडक्ट हो गया। अब क्या देखिए, इसी फॉर्म को, इसी इक्वेशन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखने को क्या बोलते हैं, क्या राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन इन सिंबल फॉर्म। इसी को आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक चीज और दिया है, स्केलेटन फॉर्म। क्या दिया भैया, देखिए स्केलेटन फॉर्म दिया है, क्या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन दिया। क्या बोलते हैं भैया, इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, स्केलेटन बोलेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। भैया कोई भी रिएक्शन लिखा हो उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिख दो, उसको क्या बोलेंगे,
स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे भैया? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। चलिए भैया अब आगे कुछ और भी लिखा है क्या इसमें? चलिए कुछ और नहीं लिखा है। तो हमेशा राइट हैंड साइड में क्या होगा, अगर ये हमारा लेफ्ट है, सॉरी ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, देखिए आपके हिसाब से क्या है, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट, यही होगा ना, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। तो राइट में हमेशा क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को लिखेंगे जो मिलके एक चीज बना रहे हैं, और लेफ्ट हैंड में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, और बीच में क्या रहेगा, कंडीशंस, किस कंडीशंस में हो रहा है, जैसे हमने लिखा यहाँ रिएक्टेंट्स, यहाँ प्रोडक्ट और बीच में कंडीशन, ठीक है। चलिए भैया आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में देखिए क्या बढ़ाएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, डीकंपोजिशन, रिएक्शन सारे टाइप पढ़ाएंगे। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।